हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है निमित कंप्यूटर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पेज लेआउट के अंदर पोजीशन से लेकर रोटेट तक के हर एक ऑप्शन को देखने वाले हैं। मतलब कि आज हम अरेंज के अंदर ये जितने भी ऑप्शन है इन हर एक ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी एक भी ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, जैसे पोजिशन, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, यहाँ पे अभी एक भी ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं हमारे। तो जितने भी ऑप्शन है सब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आप इंसर्ट में जाए या तो पिक्चर बनाए, क्लिप आर्ट बनाए, शेप बनाए, स्मार्ट आर्ट बनाए, चार्ट बनाए, तो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ज्यादातर हम शेप का यूज करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक शेप बनाया, मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया और फिर यहीं से ही मैं एक दूसरा शेप बना लिया इसी के ऊपर ही, थोड़ा सा साइड में इसको एक कलर दे दिया। सेम इसी तरह मैंने इस पर भी क्लिक करके इसको एक कलर दे दिया और यहीं से मैंने एक तीसरा शेप बना लिया। ओके, इसको मैंने कलर दे दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है पोजीशन के नाम से, या तो फॉर्मेट के अंदर से आप अरेंज के इन हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप पेज लेआउट के अंदर से भी अरेंज के इन हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट तब आता है जब हम कोई शेप बनाते हैं। जैसे हमने कोई शेप बनाया तो ये फॉर्मेट आ जाता है। अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो फॉर्मेट चला जाता है, शेप के ऊपर क्लिक करते ही जो है फॉर्मेट आ जाता है। ओके दोस्तों, तो पहला यहाँ पे होता है पोजिशन। पोजिशन मतलब होता है कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आपने इसको पेज के किस पोजिशन पे रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, डाउन राइट में रखना है। तो जैसे मान लो मुझे जो है इस ट्रायंगल को पेज के एकदम बीचों बीच में रखना है, तो ये हमारा पेज का जो है एकदम बीचों बीच है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो जो आपका शेप है वो पेज के एकदम बीच में आ चुका है। ओके, तो पोजीशन की मदद से आप जहाँ पे भी रखना है आप रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। तो जैसे कि मैंने दो तीन शेप बना रखे हैं, मैंने एक के ऊपर एक जैसे इस तरह से रख दिया। अभी सबसे ऊपर जो है हमारे ट्राइंगल वाला शेप है, या आप कह सकते हो ब्लू वाला शेप जो है हमारा सबसे ऊपर है। अगर मैं यहाँ से जो है सेंड टू बैक पे क्लिक करूंगा तो ये जो शेप है मेरा सबसे पीछे चला जाएगा, और अगर मैं यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो ये जो मेरा शेप है वो सबसे आगे आ जाएगा। उसी तरह मान लो मैंने एक ग्रीन वाले पे क्लिक किया, तो अगर मैं सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये सबसे पीछे, और ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो सबसे आगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है आपका सेंट बैकवर्ड के नाम से। अभी जैसे मैं इस ग्रीन वाले को पीछे कर रहा हूँ तो एकदम पीछे चला जा रहा है, बट मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट के पीछे करना है केवल, तो आपको यहाँ से सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करना है। तो ये एक ऑब्जेक्ट के पीछे गया, दोबारा अगर मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ तो फिर एक ऑब्जेक्ट के पीछे गया। आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर एक ऑब्जेक्ट के आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड, और अगर एकदम से आगे लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। ओके, तो मैंने यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये एक ऑब्जेक्ट के आगे, दोबारा से मैंने ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो फिर एक ऑब्जेक्ट के आगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपका ये ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, और उसी तरह सेंड टू बैक में जो सेंट बिहाइंड टेक्स्ट है, इसको हम टेक्स्ट रैपिंग में पढ़ेंगे। ये आपका बिहाइंड टेक्स्ट और ये आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको हम टेक्स्ट रैपिंग के अंदर देखते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें टेक्स्ट भी लिखना होगा तो टेक्स्ट रैपिंग में हम इसको देखेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अलाइन। तो अलाइन में वही है कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है। अगर मैं अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये पेज के लेफ्ट पे चला गया, और सेंटर किया तो सेंटर में आ गया, राइट किया तो राइट में आ गया। उसी तरह अगर आप अलाइन टॉप करेंगे तो ऊपर होगा, मिडल से बीच में आ जाएगा, बॉटम पे क्लिक करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है मतलब जिस ऑब्जेक्ट को भी आपने सेलेक्ट कर रखा है वो पेज के एकदम नीचे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है दोस्तों बराबर रखना, हॉरिजेंटली बराबर रखना, जैसा साइड में चित्र में भी दिखा रखा है। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट को इस तरह से हॉरिजेंटली रखना होगा दोस्तों। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। अभी क्या करना है, आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। एक यहाँ पे सिलेक्ट हो ही रखा है, आप यहाँ पे कंट्रोल का बटन दबाए रखें और आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर भी क्लिक करना है। ओके, अगर मल्टी सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल के साथ करते हैं। तो ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गैपिंग ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच में जो है गैपिंग कम है। तो अगर मैं यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल करूंगा तो ये जो है हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मतलब इनके जो बीच के गैप है वो इक्वल हो गए। बिल्कुल इसी तरह हमारा दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल होता है। तो पहले आपको ऑब्जेक्ट को इस तरह से वर्टिकली रखना होगा। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ ऊपर है, एक मेरा यहाँ नीचे है और एक मेरा यहाँ पे सबसे नीचे है, मुझे इनको हॉरिजेंटली इक्वल करना है। तो पहले आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा। एक यहाँ पे सिलेक्ट हो ही रखा है, कंट्रोल का बटन आप दबाए रखें, इस पर क्लिक कर दें और इस पर भी क्लिक कर दें दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल का बटन छोड़ दें और यहाँ पे अलाइन में जाएं और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो इन दो शेप्स के बीच में जो गैप है वो कम है। तो डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल करेंगे तो इनके जो बीच के गैप है वो इक्वल हो जाएंगे। तो जैसे भी आपने अरेंज करके रखना है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली या वर्टिकली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका अलाइन टू पेज। अब अलाइन टू पेज में क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ से इसको अलाइन लेफ्ट करता हूँ तो ये जो है जैसे सपोज कि जैसे मैंने अलाइन सपोज मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट पे जैसे क्लिक किया। ओके, उसके बाद अगर मैं अलाइन लेफ्ट करूंगा तो ये मार्जिन के लेफ्ट तक जाता है, जबकि हमारा पेज तो यहाँ तक है, बट ये यहीं तक ही लेफ्ट तक आया। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपका
क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अलाइन टू मार्जिन हो रखा है दोस्तों। तो अगर देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अलाइन टू पेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और फिर अगर मैं अलाइन लेफ्ट करूंगा तो पेज के लेफ्ट तक जाएगा, मतलब हमारा पेज क्या है यहाँ तक है, तो ये पेज के लेफ्ट तक जा रहा है, और अगर मैं अलाइन राइट कर रहा हूँ तो पेज के राइट तक जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह आप अलाइन टॉप करोगे तो ये पेज के टॉप तक जाएगा, और बॉटम करोगे तो पेज के एकदम पेज के नीचे तक जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर आप अलाइन टू मार्जिन कर देंगे, जैसे मैंने अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक किया और अब मैं अगर इसको अलाइन लेफ्ट कर रहा हूँ तो मार्जिन के लेफ्ट तक जा रहा है, मतलब ये यहीं तक जाएगा, और अगर मैं अलाइन राइट कर रहा हूँ तो मार्जिन के राइट तक जाएगा। ओके, अगर आप अलाइन टू पेज करेंगे तो ये पेज के राइट तक जाएगा, और अगर आप अलाइन टू मार्जिन करेंगे तो मार्जिन के राइट या लेफ्ट तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो ये ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है, ये तभी काम करेगा जब आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे एक सिलेक्ट हो ही रखा है, मल्टी सिलेक्शन करना है, तो कंट्रोल का बटन दबाए रखें, इस पे क्लिक कर दे और इस पे क्लिक कर दे, उसके बाद कंट्रोल का बटन छोड़ दे। तो अगर मैं यहाँ पे अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखे इसके अकॉर्डिंग अलाइन होते हैं। मतलब अगर मैं अलाइन लेफ्ट करूंगा तो ये आप देख सकते हैं जितने भी मेरे ऑब्जेक्ट हैं ये लेफ्ट से जो है इक्वल हो चुके हैं, और अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो सेंटर से इक्वल हो गए, राइट किया तो राइट से इक्वल हो गए, मतलब ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है लेफ्ट सेंटर राइट होते हैं। लेकिन अगर आप अलाइन टू पेज कर देंगे तो ये जो आप फिर आप अलाइन लेफ्ट करेंगे तो पेज के लेफ्ट तक जाएगा, अगर आप अलाइन टू मार्जिन पे क्लिक करके जो है आप लेफ्ट राइट करेंगे तो ये पेज के लेफ्ट तक जाएगा, और अगर आप अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के जो है लेफ्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ये राइट तक जाएगा। जैसे मैं आपको राइट करके दिखा देता हूँ, मैंने ये अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट किया और मैं यहाँ से अलाइन राइट पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट के राइट से अलाइन हो गए। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका व्यू ग्रिड लाइन। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ग्रिड्स आ जाती हैं जो कि ड्राइंग बनाने में हमारी मदद करती हैं, मतलब इन ग्रिड्स की मदद से आप अपने ड्राइंग को इजीली अरेंज करके रख सकते हैं। अभी क्या है कि वैसे अगर हम इसको हाइट के अकॉर्डिंग वाली रखते तो ऐसे पता नहीं चलता, बट ग्रिड की मदद से आप जो है इसको आप देख सकते हैं जो हाइट है इनका, मैंने हाइट के अकॉर्डिंग को इक्वली मैंने रख दिया है। तो ग्रिड जो होता है वो ड्राइंग बनाने में हमारी मदद करता है, उसी के नीचे हमारे ग्रिड सेटिंग होता है। जैसे अभी जो डब्बे हैं काफी छोटे छोटे हैं, अगर आपने इन डब्बे को बड़े करने हैं तो आप ग्रिड सेटिंग में जाए। हॉरिजेंटली का मतलब होता है वृत्त, आप वृत्त इसका कितना बढ़ाना चाहते हैं, और वर्टिकल का मतलब होता है हाइट, मतलब हाइट अपनी कितनी बढ़ानी है, देन आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रिड बड़े बड़े हो गए हैं, आप दोबारा व्यू ग्रिड में जाके इसको कम कर दें। देन ओके, उसके बाद अगर आप व्यू ग्रिड पे क्लिक कर देंगे तो ग्रिड हट जाएंगे, और दोबारा क्लिक कर देंगे तो ग्रिड आ जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है एक बनाना, तो अभी ये ग्रुप काम नहीं कर रहा है, ये तभी काम करेगा जब आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे। सपोज कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इन शेप्स की मदद से एक मैं अपना एक ड्राइंग बनाया, सपोज इस तरह से मैं एक ड्राइंग बना दिया अपना। तो अभी क्या है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, मतलब ये सर्कल अलग अलग है, ये भी अलग हो जाएगा, मुझे क्या इन तीनों को एक करना है, मतलब इन तीनों को मुझे ग्रुप करना है। तो पहले इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा, एक सिलेक्ट हो ही रखा है, कंट्रोल का बटन आप दबाए रखें, इस पे क्लिक कर दें, उसके बाद इस पे क्लिक कर दें, कंट्रोल का बटन छोड़ दें, उसके बाद ग्रुप में जाके यहाँ से दोबारा ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं ग्रुप हो चुके हैं, मतलब ये तीनों एक हो गए, एक साथ मूव करेंगे, एक साथ छोटे बड़े होंगे। ओके, और अगर आपने इसको अलग अलग करना है तो आप अनग्रुप पे क्लिक कर दें, और अनग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार बाहर क्लिक करना है। बाहर इसलिए मैं क्लिक करूँ ताकि जो तीनों ये अनसेलेक्ट हो जाए। ओके, अब आप चेक कर लीजिए कि तीनों अलग अलग हो गए। ओके, उसके बाद अगर आपने फिर से ग्रुप करना है तो आपको दोबारा कंट्रोल के साथ इन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप रीग्रुप कर दीजिए। अगर आपने एक बार ग्रुप कर रखा है और फिर आप उसको अनग्रुप कर देते हैं तो फिर आप रीग्रुप से उसको दोबारा से ग्रुप कर सकते हैं दोस्तों। रीग्रुप तभी काम करेगा जब आपने उसको पहले से ग्रुप कर रखा हो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रोटेट। आपका रोटेट वही घुमाने के लिए होता है, आपने जिस एंगल में भी इसको रोटेट करना है, जैसे इस ऑब्जेक्ट मैंने क्लिक किया और रोटेट में गया, जैसे भी इसको रोटेट करना है 90 डिग्री, 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जैसे भी आपको करना है। अगला है दोस्तों हमारा टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग में कई ऑप्शन हमें मिलते हैं, तो इसके लिए पहले हमें टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों लेने पड़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट ही ले रखे हैं। ओके, पहले इसको मैं अनग्रुप कर देता हूँ, यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ। ओके, इसको मैं डिलीट कर दिया और इस पर मैंने क्लिक करके डिलीट कर दिया, सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास। ओके दोस्तों, अगर मैं ये इन लाइन विद टेक्स्ट करता हूँ तो मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा उसके साथ जो है ये चलता है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ओके, क्लिक करने के बाद अब आप जो भी लिखोगे टेक्स्ट के साथ चलेगा, तो ये आपका इन लाइन विद टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट के साथ चलता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है उसके बाद हमारा स्क्वायर, मतलब जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो उसके स्क्वायर में रहेंगे, साइड साइड में रहेंगे। जैसे दोस्तों मैं सपोज एक कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे टाइप कर देता हूँ,
सपोज मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मैंने जैसे टाइप किया, ओके अब मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया, या फिर आप पेज लेआउट से भी जा सकते हैं, उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग में गया, और अगर मैं स्क्वायर पे क्लिक करता हूँ जो जो टेक्स्ट है उसके स्क्वायर में रहेंगे, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को बीच में रख के देखिए जो आपके टेक्स्ट है वो उसके स्क्वायर में, मतलब इसके ऐसे साइड साइड में है दोस्तों, स्क्वायर में है। अगर आप टाइट पे क्लिक कर देंगे तो अक्षर जो है वो पास पास में आ जाते हैं, अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो ये टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है दोस्तों, अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हो प्रॉब्लम क्या आता है, सपोज कि मैं इसको जैसे टेक्स्ट को मैं एक साथ कर देता हूँ, जैसे ये जो पैराग्राफ है मैं हटा देता हूँ इस तरह से, तो अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि वो जो है मेरा टेक्स्ट के पीछे चला गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, आपने होम में जाना है, सेलेक्ट में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, और फिर आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है तो ये ऑब्जेक्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप फॉर्मेट में जाए, टेक्स्ट रैपिंग में जाए, और अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका टॉप एंड बॉटम पे क्लिक करूंगा तो जो टेक्स्ट है मेरे वो टॉप एंड बॉटम पे रहेंगे, थ्रू पे क्लिक करोगे तो अक्षर जो आपके पास पास में आ जाते हैं। एडिट में अपने अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, जैसे आपने एडिट पे क्लिक किया तो इस तरह से काले काले डॉट बन गए, और किसी भी काले डॉट को पकड़ के अगर आप पीछे करते हो तो टेक्स्ट भी हमारे पीछे हो जाते हैं, अगर इन काले डॉट को पकड़ के आप अंदर करते हो तो टेक्स्ट भी आपके अंदर को आ जाते हैं। ओके बाहर क्लिक कर देंगे अप्लाई हो जाएगा, दोबारा से अपना जो है एडिट रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसको सही कर सकते हैं। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मोर लेआउट ऑप्शन, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे मोर लेआउट ऑप्शन। तो ऊपर के आपने जितने भी ऑप्शन पढ़े हैं इन फ्रंट से लेके एडिट रैप टेक्स्ट तक के, वो सारे ऑप्शन आपके मोर लेआउट ऑप्शन में आ जाते हैं। आप टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन हर एक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं दोस्तों, तो जैसे यहाँ चित्र में दिखा रखा है क्लिक करने पे ओके करने पे वैसा ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने अरेंज के हर एक ऑप्शन को देख लिया है, पोजिशन से लेके जो एक बार रोटेट तक देख लिया, एक बार इसको रिवाइंड कर लेते हैं। तो पोजीशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट को इधर उधर रखना, मतलब पेज के लेफ्ट सेंटर राइट जहाँ पे भी रखना है, और ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक ऑब्जेक्ट को आगे पीछे रखने के लिए होता है। टेक्स्ट रैपिंग में होता है कि आपने टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से रखना है। अलाइन में भी दोस्तों वही हमने पढ़ा कि लेफ्ट में रखना है राइट में रखना है, मतलब पेज के अलाइन से लेफ्ट राइट रखना है, या मार्जिन के अकॉर्डिंग रखना है अपने, या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट राइट रखना है। उसके बाद ग्रुप का मतलब एक करना और रोटेट का मतलब घुमाना दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।